क्या हुआ बे? ये क्या किया? अरे होना का है, वो आपके छुटके नवाब जादे ने ख्याल रखने के चक्कर में हमारा सर फोड़ दिया। वो तो छोटा भाई समझ के छोड़ दिया बाबूजी, नहीं तो हम भी हाथ उठाई देते। तो कितना ध्यान रखते हैं शक्ति भाई हमारा है। लेकिन शक्ति भाई हाथ उठाने की सिर्फ बात नहीं करते हैं, हाथ चलाते भी हैं, समझे हो? तो तुमको कहा हम बात करने वाले दिखते हैं? दिखते नहीं है, हैं। बहुत बढ़ चढ़ के बोलने लग गया ना तू बाबा, तेरी तो हम कुछ बोले ही कहा है। और बोलती हम मार देंगे तुमको बेहुदा। साला मरने का शौक पैदा हुआ है बेहुदा, बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा रहे हो, लाज नहीं आ रही ससुर? दूसरे जात के लौटिया ही घर में लेके आया है, ऊपर से सीना तान के चल रहा है, चोरी और सीना चोरी तुम्हारे चीज। अरे तो तुम भी कोनो गब्बर सिंह ने ना भेज दिया हमारी बीबी को बाहर, अब लेके काहे नहीं आते हो? तुमको मौका लगा नहीं क्यों प्रोफेसर की भाषा बोलना शुरू कर दिए? बेहुदा ससुराल का असर हो गया है बेटा तुम्हारे ऊपर। लेके आओगे हैं? धूप दांग देने के लिए यहाँ देवी देवता बहुत हैं। अपनी शकल देख, अपनी कपड़ा सपड़ा फाड़ के मजनू का तुम। अबे तू क्या घूम रहा है बे? हैं? अरे तेरी लुगाई तुमको छूने तक नहीं देती, थूकती नहीं बे तुम पे। चलाए हाथ उठाने बड़े भाई के ऊपर। अरे वो हमें देखे चाहे ना देखे, तुमको कोनो घाटा नफा तो नहीं ना? फिर काहे निकाल दे उका? बहुत बड़ी गलती की हो बताया, बहुत बड़ी। अभी सुधार लो और अभी लेके आ जाओ, वरना अभी तो सिर्फ शक्ति भाई का सिर फोड़े ना, फिर एक एक का सिर फोड़ेंगे, वो भी रोज फोड़ेंगे। तुम का फोड़ोगे यार? वही ना, इस प्रोफेसर की वजह से बहुत कला हो चुकी है घर में, जीना हराम कर दिया है इसने बेटा। प्रतिज्ञा चाहिए ना बेटा, आज ले आते चले हैं ससुर बड़का मोहब्बत करने। अरे का चाय बनाए हो भैया? दमी नहीं है चाय में, एकदम सड़ी हुई है। अरे चलो पी लो भैया। और क्या पियो? बेटा देख ले, पूरा देसी है। हाँ बे, ईका आगे तो मलदैया आम भी फेल है। सुनो सीटी किसको मारा बे? अब देख कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि हम का पूछ रहे हैं। सीटी किसको मारा? हमको? आपको नहीं मारे थे, उनको मारे थे। अच्छा, अब तुम्हारी इतनी जवानी चढ़ गई है कि अपने अम्मा की उम्र की औरत को सीटी मारोगे? हैं? अरे उनको नहीं, आप ही को मारी थी। हमको काहे लिए मारी थी? दिखा कैसे मारी थी, हम भी देखे। अरे दिखाओ ना। अरे, अरे, अरे दीदी माफ कर दो ना, हमसे गलती हुई गो। अरे माफ कर दो, अभी अभी नहीं करेंगे ऐसा गलती। अरे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो। सीटी मारेगा, सीटी मारेगा, दिखा कैसे मारता है सीटी, बता। अरे दीदी माफ कर दो, 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 माफ
क्या कर रही हो ये सब? क्या ये सब? चलो अंदर, अंदर चलो। कोमल, तुम्हें कब तमीज आएगी? तुम्हें क्या मिलता है ये सब कर कर? आखिर क्यों तुम हमारे घर की इज्जत को छालने पर तुली रहती हो? क्यों बोलो? अरे हमारी बात तो सुनो। अरे हमें नहीं सुनना है कुछ। अरे लेकिन वो लोग ना बदतमीजी कर रहे थे, सासू अम्मा और हमको देख के ना सीटी मार रहे थे, तो हम क्या करते? बहुत खुश होके कही थे ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनके बीच में पढ़ने की? नहीं भैया, ये चीज गलत होती। भाभी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। अगर भाभी ने उन लोगों की बात का जवाब नहीं दिया होता ना, तो उन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाती और वो कल दूसरे लोगों के साथ भी यही करते। ये क्या प्रतिज्ञा? जहर खाने के बाद कम से कम उसकी तारीफ तो मत करो। बेटी तुम ये कैसे भूल गई कि ऐसे ही हादसे की वजह से आज ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी कृष्णा से हो गई। ये सब बातें करने से अब क्या फायदा? तो हमने कब कहा कि फायदा है? अरे सच न बोलने से फायदा ना होता हो तो क्या वो झूठ हो जाता है? ये सब बातें छोड़िए माँ, वैसे भी जमाना बदल रहा है। तो बदलो जमाना। एक बार प्रतिज्ञा को बाहर पढ़ाने भेजने के वक्त भी तुमने यही कहा था और उस गलती की वजह से हमारे परिवार की किस्मत ही बदल गई थी। अब फिर वही बात कह रहे हो कि जमाना बदल गया है। देखो आगे क्या होता है। आप रहने दीजिए इन सब बातों को। कोमल बेटा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, पर तुम्हारा ये सब करने का तरीका जरूर गलत था। अब बेटा इसे समझदारी की बात तो नहीं कहेंगे ना? अब जब इतनी समझदारी वाली बात करनी है तो काहे नहीं समझाती अपनी बिटिया को कि कृष्णा बाबा ना को बहुत ही प्रेम करता है, बस उका प्रेम करने का ना तरीका गलत है, काहे नहीं समझाते? मजे मारो, एकदम चैन से सो रही हो, क्या बात है? सोते रहो सोते। अरे हम उन्होंने शक्ति भाई थोड़े तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ करेंगे। अरे हम तो एकदम पाक साफ, जानती हो ना हमको? हमको तनिक बुखार लग रहा था इसलिए लेट गए ताकि आराम मिल जाए, और हमारा मन भी बहुत उबका रहा था ना। तो तुम्हारा मन क्या कर रहा था, लड्डू पेड़ा खाने का कर रहा था या लात खाने का? हमको मतलब नहीं ना। हम तो बस ऐ पूछने आए हैं कि जब पति अपनी पत्नी को मारता है तो क्या मतलब, कैसा लगता है? अब कुछ बोलबो कि नहीं, या बस बैठी रहो ऐसे ही मौनी दादी की तरह? मैं बोलबो यार। मार खाना किसे अच्छा लगता है, और वो भी पति की मार जिसको अपना तन मन सौंप दिया हो, वही जब पीटेगा तो कैसे अच्छा लगेगा? तुमको शक्ति भाई इतना मारते हैं तो काहे नहीं चली जाती हो तुम अपने मायके? हम तो कभी देखे नहीं तुमको कि गई हो। और एक बात बताए दें, पूरे इलाहाबाद में ना तुमसे ज्यादा मार कोई ना खाया होगा। और एक वो है हमारी बीवी, अरे एक थो झूठ मूठ ऐसे ही झापट मार दी बस चली गई नाराज होकर हमको छोड़ के, ऐसे थोड़ी होता है। जब आप प्रतिज्ञा से इतना प्रेम करते हैं तो काहे आपने उसे मारा? अच्छा अब हमको उपदेश दोगी हैं? जाओ जाके गुरुमा की चेली बन जाओ, जाओ।
गलती भाई तुमको इतना मारते हैं तब तो आवाज निकलती है तुम्हारी, हमको सिखा रही हो, उनको जाके काहे नहीं सिखाती हो? अब जो करेंगे जरूरी है कि आप भी करें तो? अरे पति है तो काहे नहीं करेंगे, हमारा जो मन करेगा वही करेंगे। अब तुम इतना कुछ सह सकती हो तो उसका एक झापट नहीं सह सकती का? जब आप प्रतिज्ञा से इतना प्यार करते हैं कि उसके बगैर नहीं रह सकते तो आपको उसे मारना नहीं चाहिए था ना? अरे फिर वही उल्टी सीधी बात है। अरे जब हम ही प्यार करते हैं तो हम ही तो हक है गुस्सा करने का, या कोनो बाहर से आके गुस्सा करेगा बताओ? अच्छा चलिए जाने दीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाऊ जी गए हैं ना लेने, बस आते ही होंगे। दीदी अगर आपके ससुर आपको लेने के लिए आ गए तो आप सच में चली जाएंगी? अब पापा ने तो यही शर्त रखी है। उनकी छोड़िए, आप अपने मन की बात बताइए ना। छोड़ो ना ये सब, तुम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। बताइए ना दीदी प्लीज। देखो जाना तो नहीं चाहते लेकिन वो हमारा ससुराल है, और मम्मी और दादी भी आए दिन यही समझाते रहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब तो सहना ही पड़ता है। आखिर कोई इन सब चीजों से अलग कैसे रह सकता है? आप मम्मी दादी की बात क्यों कर रही हैं? मम्मी दादी को नहीं रहना है वहां जाकर? और क्या ये घर अब आपका नहीं रहा? अब हमारा घर कौन सा है यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त तो हर चीज हमें सवालों के घेरे में नजर आ रही, यहां तक कि हम भी। आरुषि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है, पापा की सिखाई हुई वो बातें सच है या फिर जीवन में घट रही वो बातें जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर इस समाज के बनाए हुए उसूल। वो जो भी हो लेकिन आपको पापा की बात तो याद है ना, वो कभी मत करो जिस बात की दिल गवाही ना दे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो। आप भी अपने दिल की बात सुनेंगी ना? तुमने वो छत पर कपड़े सूखने डाले हैं क्या? अगर डाले हैं तो उतार लेना वरना वो बंदर फाड़ देंगे। अच्छा ये बताओ तुमने कभी कबूतर को दाना डाला है कि नहीं? कबूतर के बच्चे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम रूठे हुए हैं? तुम बस हमको ऐसा बिना मनाए चले जा रहे हो, फिर कौन बात के पति हो तुम? हम जान ही नहीं पाए कि तुम हमसे रूठी बैठी हो। सॉरी। बहाना मत बनाओ, तुमको तो मनाना भी नहीं आता है। हम कैसे तुमको उस दिन अपनी गलती पे कैसे मनाए थे, और तुमको ये भी वादा दिए थे ना कि हम गाली नहीं देंगे। आज तो तुम्हारी अम्मा को बचाने के चक्कर में डांट खाई है, शुक्रिया की जगह डांट मिली है हमें, ऐसे ही मान जाए का? तो बताओ तुम कैसे मानोगे, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। सिनेमा चलेंगे, चलोगे?
वापस क्यों चली आई? आदर्श ने चाय पी नहीं क्या? उसने तो मांगी थी। ला, हम दे आते हैं। अरे मम्मी रुको तो सही। भैया भाभी को साथ में खुश देखकर उन्हें डिस्टर्ब करना हमें सही नहीं लगा, इसलिए मम्मी अब लगता है भैया भाभी के बीच में सब कुछ सही हो गया है। भगवान करे तुम्हारे और कृष्णा के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाए। ए बाबा देख इतना मीठा लीची खा के देख। अरे मुंह में नहीं खाना। अरे खा ना देख इतना मीठा है देख। ये गो फल है जिसको तू कभी अपने हाथ से नहीं छूता था, हमेशा हम ही खिलाते थे, कहता था हाथ मेरा चिटचिटाने लगता है। आ बैठ बैठ के खा। क्या हिच कर रही है यार? आ ना बाबा बैठ, कभी हमारी बात मना कर बैठ। पहले हम ही सोचते थे कि जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा ना तो तुम्हारी मेहरारू तुमको लीची छिल छिल के खिलाएगी, तब हमको कौनो बात की चिंता नहीं होगी। ले खा। अरे अरे खा ना इतना मीठा है खा। लेकिन हमको क्या पता था कि तुम्हारा ब्याह एक ऐसी औरत से हो जाएगा जो हमरे हीरा जैसे बाबा को अपने आंख का कांटा समझेगी। लेकिन तुम तो अपनी जिद के आगे किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हो, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बाबा? अरे वो दूसर जात की औरत है, वो तुमको कप्पो प्रेम नहीं करेगी। अपनी जाति में ब्याह करते ना खूब ख्याल रखती तुम्हारा। अपने घर में देखो शक्ति बहू को, शक्तिया उसको कितना लात जुत्ता लगाता है लेकिन उसके बाद भी उसके मन का कितना ख्याल रखती है। अपने घर में का बाहर झांक के देखो, एगो कौआ जब मरता है तो सब कौआ आके काव 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 करने लगता है, और एगो सियार जहां हुआ बोला नहीं कि सब सियार आके हुआ हुआ बोलने लगता है। जानते हो काहे? काहे कि हम कब्बो अपने जात से भाग नहीं सकते हैं। ए बाबा ए बाबा, हम तुम्हारे लिए ना अपनी जात में बहुत अच्छी लड़की देखेंगे। ऐसा है, बाऊजी गए प्रतिज्ञा को लाने, प्रतिज्ञा को वापस लाए, समझो? तो इसलिए तुमने जो बुद्धि में प्लान प्लान चल रहा है ना उका छोड़ दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।